मेरे परिवारजनों, मन की बात के एपिसोड में हम अपनी युवा पीढ़ी के सामर्थ्य की चर्चा अक्सर करते रहते हैं। आज खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। इसलिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवा खिलाड़ी विद्यार्थी इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं, यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता है, असम के रहने वाले अम्लान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है, यूपी की रहने वाली प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता है, महाराष्ट्र के रहने वाली अभिदन्या ने शूटिंग में मेडल जीता है। मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रगति, मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि 2 मेडल जीतने के बाद आप जब यहां से गई, तब ये सोचा था क्या? और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ। एक बार तो ठीक है, गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए, इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई, ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या हुआ था आपको? 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं वेंटिलेटर पे थी, कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, और बची तो कैसे बचूंगी। बट इतना था कि हाँ, मुझे अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है वापस ग्राउंड पर, खड़े होना है एरो चलाने। मेरे को मेरी जिंदगी बचाई है जो सबसे बड़ा हाथ भगवान का, उसके बाद डॉक्टर का, फिर आर्चरी का। हमारे साथ अम्लान भी है। अम्लान, जरा बताइए आपकी एथलेटिक के प्रति इतनी ज्यादा रुचि कैसे डेवलप की? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। एथलेटिक्स के प्रति तो पहले उतनी रुचि नहीं थी, पहले हम फुटबॉल में थे ज्यादा। बट जैसे जैसे मेरे भाई का एक दोस्त है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अम्लान तुम्हें एथलेटिक्स में कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो पहला जब मैंने स्टेट मीट खेला तो मैं हार गया उसमें, तो हार मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे करते करते मैं एथलेटिक्स में आ गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अभी मजा आने लग रहा है, तो ऐसे ही मेरा रुचि बढ़ गया। अम्लान, जरा बताइए ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ की? ज्यादातर मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की, साई रेड्डी सर के अंदर। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गया, तो उधर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर। अच्छा, हमारे साथ प्रियंका भी है। प्रियंका, आप 20 किलोमीटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी, सारा देश आज आपको सुन रहा है,
और वे ही स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल की जरूरत होती है और आपकी कैरियर कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँची? मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टफ है क्योंकि हमारे 5 जज खड़े होते हैं, अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे, या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं, जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं, या फिर हमने नी बैंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं। और मेरे को तो वार्निंग भी 2 आ गई थी, उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं ना कहीं मुझे टीम मेडल तो एटलीस्ट यहाँ से जीतना ही है, क्योंकि देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। और पिताजी भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ जी सर, सब बढ़िया। मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को, सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी, मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए प्रियंका, मेरी तरफ से बधाई है, आपने बड़ा नाम रोशन किया है। आइए हम अभिदन्य से बात करते हैं। नमस्ते सर, बताइए अपने विषय में। सर मैं प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं शूटिंग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है, तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कोल्हापुर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, बस से ट्रैवल करके पेट वड़गांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग, तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे, तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफ़ी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए, तो मैं उनकी ड्रीम कम्प्लीट करने के लिए बचपन से काफ़ी खेलकूद में रुचि लेती थी। और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो, ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी, तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। अच्छा, आप चारों मत से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा। प्रगति हो, अम्लान हो, प्रियंका हो, अभिदन्या हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। सर मेरा एक सवाल है सर जी, आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है? सर खेल की दुनिया में भारत को बहुत खेलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूँ, लेकिन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल है, इसमें तो हमने कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के प्रति अब पहले जो भाव था वो नहीं है। पहले तो बच्चा खेलने जाता था रोकते थे, अब बहुत बड़ा वक्त बदला है और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं ना, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती है। हर खेल में जहाँ भी हमारे बच्चे जा रहे हैं कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं, और ये खबरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं और स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती हैं। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, नमस्कार।